और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की रैली में पाकिस्तानी झंडे लहराने और अलगाववादी नेता मसरत आलम की अगुवाई में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने पर केंद्र सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। मसरत के खिलाफ कार्रवाई हो, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार देर रात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से फोन पर भी बात की है। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई। मौसमी, क्या जानकारी? दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को फोन कर आलम सहित देश विरोधी गतिविधि करने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राजनाथ ने की मुफ्ती मोहम्मद से बात, फोन पर की गई ये बातचीत में राजनाथ सिंह ने कहा कि सख्त कार्रवाई की जाए, मसरत आलम और साथी जो देश विरोधी गतिविधि कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ। मसरत मामले पर अब गृह मंत्रालय की सख्ती। आपको बता दें कि श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी रैली में पाकिस्तानी झंडे लहराए गए थे। अलगाववादी नेता मसरत आलम की अगुवाई में पाकिस्तान के समर्थन में नारे भी लगाए गए थे इस रैली में, जिस पर अब केंद्र सरकार ने सख्ती अपनाई है। मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के जो सीएम है, उनसे फोन पर बात की राजनाथ सिंह ने। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गई है। मौसमी, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरह से राज्य सरकार का पूरा रवैया रहा है इस पूरे मसले को लेकर, तौर पर ये केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी एम्बैरेसमेंट का विषय बन गया है। काफी किरकिरी हो रही है, विपक्ष एक तरफ से निशाना साध रहा है। तो साफ तौर पे गृह मंत्री सख्त संदेश देना चाहते थे, उसी के तहत उन्होंने देर रात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से बातचीत की और कहा कि इस पूरे मसले पर रुख इख्तियार करना होगा राज्य सरकार को, ढिलाई से मामला नहीं लिया जा सकता। कल देर रात किरण रिजिजू ने भी कहा था कि जो भी प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत अरेस्ट होना चाहिए और इस तरह की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, ऐसा राज्य सरकार को आश्वस्त करना होगा। जी मौसमी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मसलक के खिलाफ कार्रवाई हो, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अब सख्ती अपनाई है और उन्होंने फोन किया मुफ्ती मोहम्मद सईद को और कहा कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए।